हे गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का स्पाइवर्स गेमर्स में। आज के शाउट आउट लास्ट में कर देते हैं। तो आप जैसा कि पीछे देख ही सकते हैं कि पीछे एक लावा का पूरा तरीके से एक पूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे FPP में कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर चीज़ यहाँ पर जो बहुत पूरी तरीके से जल रही है। सो ये एक्चुअली एक मोड है जिसका नाम है लावा राइजिंग, जो चपाती गेमर और लाइव इंसान ने दोनों मिल के खेला था। सो यहाँ पर मैं आपको सही पूरी तरीके से दिखा देता हूँ कि ये जो लावा है जो पूरी तरीके से हर जगह फैला हुआ है, और ये जो है हर मिनट्स में अचानक बढ़ता रहता है। और ये जो इसको सर्वाइव करने के लिए आपको अपना कोई भी ब्लॉक का कोई टावर बना के इसे बहुत देर तक सर्वाइव करना होगा, जितने देर तक आप इसे सर्वाइव कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो थी पूरी तरीके से एक ओशन थी जो पूरी तरीके से लावा में कन्वर्ट हो चुकी है। सो अगर आपको भी ये वाली जो मोड है इसे डाउनलोड करनी है तो पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग प्रोसेस दोनों दिखाने वाला हूँ। और ये जो मैंने आज ये एड ऑन दिया, ये लो एंड डिवाइसेस के लिए, हाई एंड डिवाइसेस में भी ये वर्क कर जाएगी, लेकिन ये लो एंड डिवाइसेस के लिए मैंने आज दी है। सो ये लावा हर एक मिनट के अंदर अंदर आपका एक ब्लॉक अपने आप राइज हो जाता है। इससे बचने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। उसमें आपको हर चीज़ अपना रिसोर्सेज कलेक्ट करना पड़ता है, सब ब्लॉक्स जो है आपको, जो ब्लॉक्स है आप उसे कलेक्ट करना, उसके बाद आपको खाना कलेक्ट करना है। और देखिए यहाँ पर एक मिनट के अंदर अंदर मेरा जो ये है, मैं अचानक अपने आप अंदर घुस गया, नीचे चले गया लावा में। ये एक्चुअली अपने आप लावा एक ब्लॉक राइज हो गया। सो मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ इसे आपको सर्वाइव करना है, किसी तरीके से सारे रिसोर्स कलेक्ट करके आपको इसे सर्वाइव करना है। सो चलिए सीधा चलते हैं अपने डाउनलोडिंग प्रोसेस और इंस्टॉलिंग प्रोसेस दोनों। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी मीडिया फायर की, उसे जाके जल्दी से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते ही आपको ऐसा लावा राइजिंग का एक फाइल मिल जाएगा, वो आपको इसे खोलना है अपने ZRG पर जहाँ पर आपने इसे डाउनलोड किया है। जैसे आप इसे खोलिएगा, बस आपको जैसे इसे इंस्टॉल कर देना है। तो इसे इंस्टॉल करने के मैं आपको जो स्टेप्स है वो बता देता हूँ। इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करिएगा, व्यू के बगल में आपको एक एरो का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको माइनक्राफ्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना, आपका माइनक्राफ्ट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो इसे पूरी तरीके से ओपन होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। जैसे ही पूरी तरीके से ओपन हो जाए तो आपको ऊपर में लिखाएगा इंपोर्ट स्टार्टेड। सो इसे एक और बार लिखाएगा सक्सेसफुली इंपोर्टेड। सो इसे इस जैसे ये आ जाए आपको प्ले के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे प्ले के ऊपर क्लिक कीजिए, या फिर आप क्रिएट न्यू वर्ल्ड कीजिए, या फिर आप कोई दूसरे वर्ल्ड को भी एडिट करके कर सकते हैं। मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्रिएटिव कर देता हूँ अपने लिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको बिहेवियर पैक के अंदर जाना है, माई पैक्स के अंदर आप इसे एक्टिवेट कर दिए लावा राइजिंग एड ऑन 1.1 लो। सो आपका ये कंटिन्यू प्रेस करते ही आपका जो है पूरे तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। आपको रिसोर्स पैक पे कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपली अब अपना वर्ल्ड को क्रिएट कर लेना है। आपको जो यहाँ पर सेटिंग्स करना है आप कर सकते हैं, बस आपको सिंपली अपना वर्ल्ड क्रिएट कर देना है, बस आपको बिहेवियर पैक करके। अब मैं आपको सीधा गेम प्ले अपना दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर में ये जो पूरा लावा अपने आप आपके वाई कोऑर्डिनेट्स में आ जाएगा और आपको विजिबल नज़र आएगा, और आपको उसी टाइम अपना जो सर्वाइवल का जो काम है अपना, जो उसे रोक के अपना वो टावर बनाना स्टार्ट करना है, जिस तरीके से आपको इससे बचना है। सो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाइए अपने शाउट आउट्स को देखिए। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।